हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मल्टी लुकअप कैसे लगाते हैं, दो डिफरेंस एक्सेल शीट में मल्टी लुकअप हम कैसे लगाते हैं और हम डेटा को एक शीट से दूसरी शीट पर मल्टी लुकअप के जरिए किस तरह से एक साथ एक ही फॉर्मूले में हम मल्टी लुकअप लगा करके सभी कॉलम्स में हम डेटा कैसे फिल करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है, ये ब्लैंक है। इसके अंदर कुछ ये मंथ दिए गए हैं, अप्रैल से लेकर के मार्च तक का। ये कुछ प्लान्स वगैरह हमें डालने होते हैं इसमें। सपोज हमारा ये सेल्स प्लान हमने लिया हुआ है टीम से, इसको हमें फिलअप करना है। एक ये मेरे पास दूसरी शीट है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लान फिलअप करके आया हुआ है, इसमें फिलअप है ऑलरेडी। इस पूरे अप्रैल से लेकर के मार्च तक के पूरे डेटा को, इस डेटा को मुझे एक साथ एक ही फॉर्मूले की मदद से इस इन सभी कॉलम्स में अगर फिल करना है तो उसके लिए मल्टी लुकअप का हम यूज करेंगे। इसके लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके दो रूल्स हैं, वो एग्जीक्यूट करना दोनों शीट में बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों रूल्स इस शीट में नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। दो यूनिक चीजें हैं इसमें, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि दोनों शीट जो है वो कॉमन होनी चाहिए। उसमें कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो कॉमन होनी चाहिए जिसे हम विलकअप की मदद से जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उससे जो हम यूनिक की जो हम बनाते हैं जिससे हम डेटा उठाएंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। तो यूनिक की बनाने के लिए पहले हमें सपोज स्टेट एंड प्रोडक्ट, तो स्टेट सिलेक्ट कर लिया यहां से हमने एंड प्रोडक्ट, इस तरह से हमारी ये यूनिक की बन जाती है ये, और यहाँ से हम सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। ये हमारी यूनिक की, ये हमारी दोनों शीट में होनी चाहिए। यहाँ पे भी ऑलरेडी बना रखी है मैंने, देखिए दोस्तों स्टेट एंड प्रोडक्ट, ये यूनिक की है। इसी के जरिए हम इसी को हम बेस मानेंगे और इसी से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा रूल है, ये जो कुछ नंबर्स आपको दिए गए होंगे ये लिखे हुए हैं, 5 से लेकर 16 तक नंबर्स ये लिखे हुए हैं। हम इन नंबर्स की मदद से हम मल्टी लुकअप फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नंबर्स क्यों दिए गए हैं और ये 5 से क्यों दिया गया है मैं बता देता हूँ आपको। हमारा 1 जो नंबर काउंट होगा वो की से होगा, 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ हमारा ये अप्रैल से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ से डेटा फिलअप करना है और हमारी यूनिक की से हमको डेटा को उठाना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको दूसरी शीट से, इस शीट से अपने इस ब्लैंक शीट में फॉर्मूले को की मदद से मैं आपको पूरे डेटा को यहाँ पे फिलअप करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अप्लाई करके फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले हमें इजिकल टू विलकअप, देन हमारा ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू हमें क्या लेनी है, तो हमारी जो यूनिक की बनी हुई है हमें वो सिलेक्ट करना है, देन कॉमा, और हमें दूसरी शीट में जाना है, वहां पर भी हमें बेस को यूनिक की पकड़ना है और हमें पूरे डेटा रेंज को, जहां तक हमें डेटा को उठाना है, यहां से लेकर के मार्च तक, यानी अप्रैल से लेकर के मार्च तक हमें डेटा उठाना है, लेकिन हमने यूनिक की से स्टार्ट किया है। अब यहां से लेकर के और ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेना है जहां तक हमारा डेटा है, और हमारा जो टोटल कॉलम्स आ रहे हैं 16 आ रहे हैं, कॉमा 16 कॉमा 0 देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर प्रेस करना है। अब इसके बाद आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन इसके बाद हमें दो चीजें और ध्यान से देखिएगा हमें करनी है। यहां पर मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, यहां पर हमें दो चीजें यहां पे अप्लाई करनी है। यहां पे जब हम आएंगे फॉर्मूला बार पे हमें क्लिक करना है फॉर्मूला बार पे, और सबसे पहले यहां पे हमें डॉलर का साइन लगाना है, B5 से पहले हमें डॉलर लगाना है, हमें इसको फ्रीज कर देना है, हमें अपनी यूनिक की को फ्रीज कर देना है, और जो हमारा लास्ट डेटा रेंज था 16, उन दोनों को हमें डिलीट कर देना है 16 को, और हमें ये नंबर ऑफ 5 ये सिलेक्ट करके और इन दोनों के बीच में एक डॉलर साइन लगा देना है। यहाँ पे डॉलर साइन लगा करके हमें इसको फ्रीज कर देना है ताकि हम जब फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट करें तो ये हमारा फॉर्मूला इधर उधर ना हो, दूसरे कॉलम को ना पिक करे और हमारे सभी कॉलम्स में प्रॉपर अप्लाई हो फॉर्मूला, देन हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें इस फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है,
और नीचे भी हमें ड्रैग कर देना है। ये देखिए दोस्तों, पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब मैं अगर ये मैंने टोटल सब टोटल लगाया हुआ है, मैं आपको ये टोटल वैल्यू दी गई है, ये आपको दूसरी शीट में दिखा देता हूँ मैच कर रहा है या नहीं। देखिए अप्रैल का 1455, मई का 783.5, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से देखिए टोटल वैल्यू आ रही है 40290। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप दो चार बार ट्राई करेंगे तो इसको जरूर आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, यहां से फॉर्मूला अगर आपको देखना है, कॉपी करना है, तो यहां से कॉपी भी कर लीजिए और इसको आप दो चार बार अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर 100% आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला, और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। वैसे हम क्या करते हैं, हमें विलकअप फंक्शन के जरिए हम एक एक करके सभी कॉलम्स में 12 बार हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये मल्टी लुकअप की मदद से हम एक ही बार में सारे कॉलम्स को, जितने कॉलम फिल करना चाहें हम एक ही बार में फिल कर सकते हैं। बस हमें दो चीज का ध्यान रखना है, एक हमारी यूनिक की क्या बनी हुई है वो होनी चाहिए, दूसरा ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इस नंबर्स की मदद से हम इस मल्टी लुकअप को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।